राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन यहाँ बलात्कार की होती घटनाओं से पूरा जिला शर्मसार है। माखी का रेप कांड रहा हो, बिहार थाना क्षेत्र में जलाई गई लड़की का मामला हो या एसपी ऑफिस में रेप पीड़िता का आत्मदाह, ये तमाम घटनाएं ये बताने के लिए काफी है कि उन्नाव पुलिस की नींद कितनी कुंभकर्णी है। जिले के कप्तान विक्रांत वीर की वीरता धरी की धरी रह जाती है और अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम देते हैं। हाल ही में दही चौकी इलाके में ट्रक ड्राइवर की हत्या ने भी पुलिस पर पलीता लगाया था और अब एक बार फिर उन्नाव की बिहार थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई। बीती 10 मार्च को 9 साल की एक मासूम बच्ची बेहोशी की हालत में गांव के बाहर जंगल में मिली थी, जिसकी इलाज के दौरान कानपुर के हैलेट अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत के बाद हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सरकार और उन्नाव का जिला प्रशासन था, तो अब परिजन भी हथियारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। हालांकि आला पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए, लेकिन विक्रांत वीर की पूरी सेना दरिंदों को पकड़ पाने में छींके मार रही है। लेकिन कप्तान साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, उन्होंने पाटन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि एसओ और सीओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना ने तूल पकड़ा तो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ तमाम सियासी दलों के लोग भी पीड़िता के घर पहुंच गए। कांग्रेस ने भी अपने 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को उन्नाव मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उधर परिवार को आश्वासन मिल रहे हैं, सीएम ने भी तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, लेकिन उन्नाव की आलसी पुलिस अब तक खाली हाथ लिए घूम रही है। रेप जैसी घटनाएं उन्नाव में सामान्य हो गई हैं। आए दिन यहां बेटियों के साथ ऐसा होता है। कुछ दिनों के हंगामे के बाद फिर शांति छा जाती है और इंतजार होता है अगली घटना का। अब देखना होगा कि उन्नाव पुलिस कब तक दरिंदों को पकड़ पाएगी और भयंकर लापरवाही पर जिले की पुलिस पर क्या एक्शन होता है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता मासूम बच्ची की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। परिजन गिरफ्तार की मांग पर अड़े रहे। आखिरकार आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए और पीड़िता के शव को गांव के लोगों की मौजूदगी में गांव में ही कब्र खुदवा कर गाड़ दिया गया। एसपी ने बताया कि 4 टीमों को लगाया गया है। वहीं डीएम ने बताया कि परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, साथ ही अन्य योजनाओं का भी लाभ दिलवाया जाएगा। अंतिम संस्कार के मौके पर सपा नेता मंत्री सुनील सिंह सागर समेत कई नेता मौजूद है। इस मामले में फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 लाख रुपए शोक संतप्त परिवार को दिए गए हैं। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई को से भी धनराशि परिवार को दी जाएगी। परिवारजनों के साथ हम सभी लोग हैं और आगे सभी प्रकार की मदद परिवार की जाएगी। हम लोगों की 4 टीम बनाई थी, अभी 6 टीमें हमारी काम कर रही हैं। इसका हम लोग पूरी तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें आशा है जल्द ही इसका अनावरण कर देंगे और दोषी को पकड़ेंगे। अभी तक पीड़ित आरोपी पकड़े नहीं गए। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म किया है, हम सबको शर्मसार करता है। फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर दबंगों के हौसले